नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि ये फायर एंड एमरजेंसी का मसला है जो कि 2013 से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और अभी तक जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। 2013 के बाद जो है 2020 तक हम लोगों ने जो है 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और 2 बार फिजिकल हो चुका है। हर बार धांधली पाई जाती है, जिसका भी जो भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों को, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बार बार इसको क्रैश करते रहे, बार बार इसमें धांधलियाँ करते रहे, अभी लास्ट समय तो इन्होंने बिल्कुल हद क्रॉस करके रखी है। यहाँ पर देखिए 2020 में जब 100% इसमें धांधली हुई, पहले यहाँ पर मारने के लिए कोई तैयार नहीं था। 2.5 साल की नौकरी हो गई उन लोगों की जिनको रातों रात ज्वाइन करने के लिए बोला गया था। एक दिन सैटरडे नाइट को जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है बाहर निकलती है, जो इसका रिजल्ट है वो बाहर निकलता है और उनको कहा जाता है सैटरडे नाइट को कि कल आप संडे वाले दिन यहाँ पे आके ज्वाइन करिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें टाइम पीरियड होता है 21 डेज का, वहाँ पे जो है उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको संडे को ही जो है ज्वाइन करवाया गया। उसके बावजूद हम बार बार कहते रहे यहाँ पे 8th पास बच्चा 100 में से 100 मार्क्स कैसे ले सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन कोई मारने को तैयार नहीं था। उसके बाद में हमने जब बार बार गवर्नर साहब से मिले, एक एक हमने प्रूफ अपने बिहाफ पे इकट्ठा किया, क्या वो फैमिली स्कैम हो, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी जो है इसमें धांधली पाई गई थी, हमने हर एक प्रूफ मीडिया में भी ला के रखा। उसके बावजूद यहाँ पे देखिए एक कमेटी तो इंशेड की जाती है 12th ऑफ दिसंबर 2022 को, जिसका टाइम पीरियड था 1 मंथ का, जो कि 12th ऑफ जनवरी को कंप्लीट होनी थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज जो है 7 महीने होने को जा रहे हैं लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है। हमें बड़ा दुर्भाग्य होता है ये बात सुन के कि आए दिनों में गवर्नर साहब यहाँ पे हवाले देते रहते हैं, 30,000 नौकरियाँ दी हैं हमने यहाँ पे, 50,000 नौकरियाँ दी, अरे कहाँ पे है नौकरी, सबकी सब तो करप्शन की भेंट चढ़ी हुई है। अगर हम बात करें अभी लास्ट समय की, जो नर्सिंग में बंदे फड़े गए हैं जिन्होंने पेपर, हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि 10 सालों से हमें हम पीसते आ रहे हैं और उसके बावजूद आप लोगों ने कोई इंसाफ नहीं किया। अब आपने कमेटी बनाई यहाँ पे, हमारे मुंह में एक सिर्फ लॉलीपॉप दे रखा है तुम लोगों ने, और उसके बाद जो जिसका टाइम पीरियड 1 मंथ का था, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? हमें वो रिपोर्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस एक ही डिमांड है।